आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। कानपुर में एक जिम ट्रेनर ने कारोबारी की पत्नी की हत्या कर उसके शव को DM आवास के बगल में बने सरकारी कंपाउंड में दफना दिया था। इस हत्याकांड ने कई सवालों को जन्म दिया है कि आखिर कैसे शहर के सबसे सुरक्षित जगह, जहां अधिकारियों के आवास है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बावजूद इसके एक शख्स अपनी कार में लाश को लेकर जिलाधिकारी आवास के बाजू में बने एक सरकारी कैंपस में दफना देता है। शव के बरामद होने के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कानपुर में कारोबारी की पत्नी के शव का DM आवास के पास से बरामद होने के मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हत्याकांड पर सवाल उठाते हुए योगी पर सीधा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि एक हत्या का साहस और फिर जिलाधिकारी के आवास के पास लाश को दफनाने का दुस्साहस बताता है कि गुनाह करने वाले भाजपा राज में कैसे बेखौफ अपराध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने कारोबारी की पत्नी की हत्या का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्याकांड ने कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एक शख्स अपनी कार में लाश लेकर सरकारी कैंपस तक कैसे पहुंचा। DM आवास के बिल्कुल बगल में जहां से लाश बरामद हुई है, वहां गड्ढा कब और किसने खोदा? सरकारी आवास के पास इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इस हत्याकांड ने कानून व्यवस्था को लेकर कानपुर पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल इस मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।